जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, तो भारत नेपाल मैत्री रेल सेवा के तहत जयनगर से बर्दीवास तक इस पूरे रेलखंड पर नेपाल के कुर्था तक इसकी शुरुआत कर दी गई थी पिछले साल ही। अब जाकर के इसका एक्सटेंशन भी हो गया है। अब यानी कि कुर्था से आगे भी ट्रेनें जाएंगी। जयनगर से बिजलपुरा तक इसका उद्घाटन आज कर दिया गया है और रेलवे सेवा भी बहाल कर दी गई है। लेकिन आम यात्रियों के लिए कल से यानी कि 17 जुलाई से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। यह पूरी सेक्शन जयनगर से बर्दीवास का है, जो कि अब धीरे धीरे बर्दीवास की ओर भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे भारत और नेपाल की मैत्रीता बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से यह ट्रेन भी पॉपुलर बनती जा रही है। 17 जुलाई से नेपाली ट्रेन की शुरुआत तीन तीन बार की जाएगी, यानी अप एंड डाउन को मिला करके एक एक ट्रेन जयनगर से बिजलपुरा तक भी जाएगी। यानी कि 17 जुलाई के जयनगर रेलवे स्टेशन से शाम वाली जो ट्रेन होगी 6 बजे से खुलेगी, जो वाया जनकपुर धाम होते हुए बिजलपुरा तक जाएगी, जो जनकपुर धाम में शाम 7:17 पर पहुँचेगी और बिजलपुरा रात के 8:30 पहुँचेगी। वही ट्रेन फिर सुबह में 7:30 जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी बिजलपुरा से। नए समय सारणी के अनुसार जयनगर से पहली ट्रेन 8:30 यानी भारतीय समय के अनुसार 8:15 पर प्रस्थान करती है, तो दूसरी ट्रेन 3:00 दोपहर यानी कि भारतीय समय अनुसार 2:45 पर, और तीसरा फेरा 6:00 शाम को यानी कि भारतीय समय के अनुसार 5:45 पर प्रस्थान करती है, और यही शाम वाली ट्रेन वाया जनकपुर धाम होते हुए बिजलपुरा तक जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है अब सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है इस ट्रेन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यह छोटी सी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी चैनल में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।